हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर फीट इंडिया आज हम पढ़ने वाले हैं बर्न शैडोज जिसके लिए मुझे कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था इस पर वीडियो बनाने के लिए बर्न शैडोज इज रिटन बाई कमिला चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ बर्न शैडोज पहली दफा पब्लिश हुआ था दो में और ये पाकिस्तानी ब्रिटिश ऑथर जो कमिला शामसी हैं उनका फिफ्थ नॉवल है ये एक पॉलिटिकल हिस्टोरिकल नॉवेल है जो कि फॉलो करता है दो फैमिलीज को पाकिस्तानी जैपनीज तनाका अशरफ एंड जर्मन इंग्लिश अमेरिकन वाइस बर्टन दॉवे इज फ्रॉम द थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू नाउ वी डायरेक्टली कम टू द समरी ऑफ द नॉवल नॉवल चार पार्ट्स में डिवाइडेड है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है प्रोलोग तो प्रोलोग के अंदर एक अननेम्ड प्रिजनर है जो कि अकेला वेट कर रहा है एक जेल में उसकी एक सेल में ग्वेंटानो बे में ग्वेंटानो बे एक डिटेंशन कैंप है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलिट्री प्रिजन है वो जो कि ग्वेंटानमो बे नेवल बेस में लोकेटेड है तो नोवेल का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट होता है अगस्त 9, 1945 नागासाकी जापान में हिरोको तनाका जो कि पहले एक स्कूल टीचर थी एंड नाउ शी इज अ फैक्ट्री वर्कर एंड उनका जो लवर है एक आइडियलिस्टिक जर्मन एक्सपैट्रिएट करके जिसका नाम कॉन्ड वाइज है तो उनसे स्टार्ट होता है नोवेल जो कॉन्राड है वो हिरोको को ढूंढ रहा है जब उनको पता चलता जब उसको पता चलता है कि जो हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा था रिमेंबर वर्ल्ड वॉर टू के दौरान दो न्यूक्लियर

एजन कहने का मतलब है जो हिरोको का जो किमोनो होता है जो उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है जापनीज़ की, तो की वजह से के वो, जो उस जो थे, back, के वो उसकी बैक पर उसकी कमर पर वर बर्न देयर एंड दे स्कार हर तो पर्मली उसको स्कार कर देते हैं उसके बाद इट्स के ऑल दैट हिरोको कैन फाइंड Of Conrad is his shadow. Now जो Part टू है दैट years later जब को डेली आती है जो डेली है वहां पर Conrad की जो half sister है Ilse करके वो रहती है पर जो Ilse है वो अपनी जो उसकी जर्मन ancestry है उसको छुपा सके And remember German ancestry वो क्यों छुपा रही है अपनी? क्योंकि World War टू के दौरान जो Hitler था he was उसकी वजह से because you know जो वर्ल्ड वॉर टू थी उसमें जर्मनी वाज़ द पार्टिसिपेंट और जो हिटलर uh, था ही वाज़ अ जर्मन एंड उसने वो सारे ज्यूज को मारा था दैट नासिज्म एंड ऑल दैट तो उसकी वजह से ancestry, वर, शी इज हाइडिंग हर जर्मन एंसेस्ट्री एंड इसकी इसीलिए शी चूजेज टू हाइड हर नेम एंड शी यूज एलिजाबेथ उसकी जगह एंड जब हिरोको डेली आती है तो हिरोको और एलिजाबेथ उनकी दोनों की दोस्ती हो जाती है जो एलिजाबेथ है उसकी शादी हुई होती है जेम्स बर्टन से एंड शी इज नॉट हैप्पीली मैरिड शी इज अनहैप्पी तो जो जेम्स का क्लर्क होता है सजाद अली अशरफ वो अग्री करता है कि वो हिरोको को उर्दू पढ़ाएगा और दोनों के बीच में यानी की सजाद और हिरोको के बीच में रोमांस डेवलप होने लगता है जो बर्टन हैं वो इनकी इस रिलेशनशिप के खिलाफ होते हैं बिकॉज जो सजाद है ही इज अ मुस्लिम और गरीब होता है नाउ नव इज के एक बार हीरो को सजाद को अपने जो बर्निंग जो वो स्कार्स होते हैं बर्न वाले स्कार्स होते हैं वो दिखा रही होती है और एलिजथ उस मोमेंट को उस इंटमेट मोमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लेती है और उसको लगता है कि जो सजाद है वो हिरोको को उसने असोल्ट किया है लेकिन जो हिरोको है वो उसकी इस गलत फहमी को दूर कर देती है लेकिन सजाद को स्टिल वो नौकरी से निकाल देते हैं तो जब सजाद की जो मदर है वो मर जाती है उसके बाद सजाद प्रपोज करता है हिरोको को जो कि मान जाती है मीनवाइल जो एलिजाबेथ है वो डिसाइड करती है कि वो जेम्स को छोड़ देगी एंड शी इन न्यूयॉर्क सिटी जो उसका ओरिजिनल नाम था वाइस। जो जेम्स है वो सजेस्ट करता है कि सजाद और हीरो को ये देश छोड़कर चले जाएं ताकि वो जो पॉलिटिकल वायलेंस है उसको अवॉइड कर पाए और इसकी वजह से सजाद और हीरो को दे बोथ ट्रैवल टू इस्तानबुल लेकिन सजाद इंडिया छोड़कर चला जाता है पार्टीशन के दौरान और इसकी वजह से उसकी जो इंडियन सिटीजनशिप है दैट इज रिवोक्ड एंड दैट इज वाई जो हिरोको है और सजाद है वो दोनों कराची जाते हैं एज रेफ्यूजीज क्योंकि रिमेंबर 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टिशन हुआ था तो बिकॉज ऑफ दैट नाउ वे कम टू पार्ट थ्री अब पार्ट थ्री जो है वो पंद्रह साल बाद स्टार्ट होता है कराची में इन नाइनटीन एटी टू एंड दैट इज दाइट ऑफ द कोल्ड वॉर नाव हिरोको और सजाद का एक टीन एज बेटा होता है रजा करके जो की यू नो ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट इन क्योंकि वो हाफ जापनीज है हाफ पाकिस्तानी है एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज स्ट्रगलिंग टू फिट इन हैरी बर्टन जो जेम्स और इल्जे का सन है ही वर्क्स फॉर द सी आई ए सी आई ए यानी कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी तो जो हैरी बर्टन है सी आई ए आर्मिंग इस्लामिक फाइटर्स ताकि वो सपोर्ट कर पाए जो यूएस की प्रोक्सी वॉर है अफगानिस्तान में अगेंस्ट द यूएसएसआर जो कि अब रशिया के नाम से जिसको हम जानते हैं तो जो वो पहले सोवियत यूनियन था उसके अगेंस्ट जो यूएस की वॉर थी अफगानिस्तान में तो ताकि वो वहां पर उनको सपोर्ट कर सके तो हैरी जो है ही रिक जारा तो कॉलेज uh, तो खत्म होने से पहले वैट वन लास्ट एडवेंचर तो इसलिए जो रजा है वो कन्विंस करता है अब्दुल्ला को टू ज्वाइन दी इस्लामिक गुर प्रमिसेज के वो उसके साथ जाएगा प्लानिंग टू डेजर्ट एंड लेट रियलाइज होता है कि में में है, मुश्किल में है, मुश्किल जो कि रजा को कैसे जानता है That he knows कि जो रज़ा है, वो ऑपरेटिव हैरी बर्टन का दोस्त है इसलिए वो जो कमांडर है वो बचा लेता है रजा को रजा घर आता है और जब वो घर आता है तो उसको पता चलता है कि जो सजाद है उसका खून कर दिया गया है जब कुछ लोग रजा को तलाश रहे थे उसको ढूंढ रहे थे एंड उसकी वजह से सजाद वॉज मर्डर्ड नाउ द लास्ट पार्ट पार्ट फोर इट ओपन इन टू थाउजेंड वन जब तीन महीने बाद जो यूएस में अमेरिका में जो सितंबर 11 के अटैक्स हुए थे नोन एज द नाइन इलेवन अटैक्स उसके तीन महीने बाद पार्ट फोर स्टार्ट होता है 2001 में जो हिरोको है शी विद इल्से एंड किम बर्टन हैरी की बेटी हैरी बर्टन जो था उसकी बेटी तो हिरोको अब उनके साथ रह रही होती है न्यूयॉर्क सिटी में हैरी और रजा दोनों ही एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के लिए काम करते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स टू सर्च फॉर फॉर अलकायदा इंसर्जेंट्स इन अफगानिस्तान रजा अब्दुल्ला को ढूंढ रहा होता है और उसको ये पता चलता है कि जो अब्दुल्ला है ही इज एन अनडॉक्यूमेंटेड टैक्सी ड्राइवर न्यूयॉर्क के अंदर अब्दुल्ला अब उसको ये डर लगता है कि कहीं उसके बारे में पता ना चल जाए द फियर ही इज फियरफुल ऑफ बींग प्रोफाइल तो वो अब यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका छोड़कर जाना चाहता है तो री स्किल्ड और जो सी मदद मांगता है, पर किम मना कर देती है? और जो सी जो ए है उसको लगता है कि रजा इस चीज के लिए जिम्मेदार है क्योंकि जब वो टीनेज़र था तो जो उसका एनकाउंटर हुआ था रिमेम्बर विद इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट तो उसकी वजह सेरोको कि कि से को, किम को कन्विंस करती है की वो अब्दुल्ला को ड्राइव कर सके अक्रॉस दॉर्डर टू कैनेडा अब रास्ते में जो किम होती है शी आर क्यूज विद अब्दुल्ला अबाउट इस्लाम किम अब्दुल्ला को एक फास्ट फूड रेस्टोर आता है वहां पर छोड़ देती है जैसे कि प्लान किया होता है उन्होंने एंड उसके बाद अब्दुल्ला को कैनेडियन पुलिस को रिपोर्ट कर देती है अब रेस्टोरेंट पे रजा भी होता है एंड ही कवर्स फॉर अब्दुल्ला जो कि वहां से भाग जाता है सो so, जब किम पुलिस को बताने की कोशिश करती है कि दे हैव द रोंग मैन तो रजा उसको रोक देता है ताकि पुलिस उसी को अरेस्ट कर सके यू नो अलाउंग हिमसेल्फ टू बी अरेस्टेड किम न्यूयॉर्क वापस आ जाती है एंड शी फाइन्स के जो हीरो को है शी इज फ्यूरियस शी इज वेरी वेरी एंग्री जो कि किम को कंपेयर करती है एज इन जो हीरो को है वो किम को बाकी अमेरिकंस के साथ कंपेयर करती है जिन्होंने जो जापान में न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे गिरे थे उनको जस्टिफाई करते हैं जो अमेरिकंस उन अमेरिकंस के साथ किम को कंपेयर करती है अब जो किम होती है वो कैनेडियन पुलिस को कॉल करती है ताकि जो रजा के ऊपर जो इल्जाम है जो भी है ताकि वो उससे उसको बरी करवा सके एक्ज़ोनरेट करने के लिए रजा को पर उसको पता चलता है कि रजा को यूनाइटेड स्टेट्स को हैंड ओवर कर दिया गया है एंड एट एंड इट इज़ कि जो रिमेंबर प्रोलोग में एक प्रिजनर था जो कि बे में था नाउ एट एंड ऑफ पार्ट फोर इट इज कि वो जो प्रिज़नर था वो ये रजा ही था एंड दिस इज हाउ दिस नोवल एंड इफ देर इज एनीथिंग एल्स दैट यू वुड वॉन्ट मी टू मेक अ वीडियो ऑन डू लेट मी नो इन दॉमेंट सेक्शन बिलो यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई Instagram Thank you so much for watching.